Hello students, I hope you all are safe and doing well in your home. So here we are with these online classes. I'm going to teach you Hindi. So let's get started. Now we are going to start class 5th, chapter 1st, Hindi. Chapter 1st ka heading hai Prarthana. Ishwar ki Prarthana hai, use hum explain karte hain. Daya kar daan bhakti ka hame Parmatma dena. दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना. दया कर दान भक्ति का. प्रभु से प्रार्थना की जा रही है हाथ जोड़कर कि प्रभु मुझे दया करके भक्ति का दान दो. परमात्मा से वो प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा मुझे भक्ति का दान प्राप्त करो. दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना. दया करके मेरी आत्मा को शुद्ध कर दो, मतलब मेरी आत्मा में शुद्धता का आचरण हो. हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ. हमारे ध्यान में आओ का मतलब है मेरे ध्यान में हमेशा आप ही रहें, मैं आपका ही स्मरण करता रहूं. प्रभु आँखों में बस जाओ, मेरी आँखों में आकर आप बस जाओ. जब भी मैं अपनी आँखें बंद करूं तो मुझे आपकी ही छवि आँखों में दिखें, मतलब मेरे ध्यान में भी आप रहें और मेरी आँखों में भी आप ही की छवि को निहारूँ मैं. अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना. अंधेरे दिल में आकर के, मेरे दिल में हमेशा एक अंधेरा रहता है, उसमें आप आकर अपनी परम ज्योति जगा दो ताकि आपका दिव्य प्रकाश मेरे अंधेरे दिल को रोशन कर दे. हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा. मेरे कर्म सेवा हो, मतलब मेरे जो भी कार्य हो उसमें सेवा का भाव हो. हमारा धर्म हो सेवा, मेरा धर्म भी सेवा ही हो. मैं सेवा करके अपने धर्म का पालन करूं, दूसरों की सेवा करूं, इस तरह मैं अपने धर्म का निर्वाह करूं. सदा ईमान हो सेवा व सेवक चर बना देना. मेरे ईमान, मेरा ईमान भी सेवा ही हो, मतलब मैं ईमानदारी से हर किसी की सेवा का भाव रखूं. व सेवक चर बना देना, और मैं अपने आप को सेवक समझूं और दूसरों की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करूं. बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर. आप प्रेम की गंगा को बहा दो और हमारे दिलों में प्रेम का सागर बहा दो. हमारे दिलों में प्रेम का असीम सागर हो ताकि दिल में सिर्फ प्रेम का ही भाव हो, इसका यह अर्थ है. दिल में प्रेम हो दूसरों के लिए, किसी के लिए कटुता नहीं हो. हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना. हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु, हमें ऐसी सीख देना कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहें. किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी से बैर भाव ना हो, सब आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें. वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना. हम अपने वतन, वतन का मतलब होता है, वतन का अर्थ होता है देश. अपने देश के लिए जिएं और अपने देश के लिए ही मरें. हमारे मन में ऐसा भाव हो कि हम अपने देश की सेवा करें और उसके लिए जिएं और उसके लिए ही मरें. वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना. वतन पर जा फिदा करना मतलब हमारी जान को फिदा कर दें, हमारी जान लुटा दें हम. जब ऐसा कोई मौका आए कि हमें अपने वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान करना है तो हम पीछे नहीं हटें, उसके लिए हम अपनी जान लुटा दें. प्रभु हमको सिखा देना, प्रभु हमें ऐसी सीख देना कि हम वतन के वास्ते ही जिए, वतन के वास्ते मरें और अपनी जान लुटाने में पीछे ना हटें. अतः इस प्रार्थना में बच्चों को प्रार्थना का यही महत्व बताया गया है कि जब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें तब हमारे आचरण शुद्ध हो, हमें भक्ति का भाव हो हमारे मन में, हमें कर्म का भाव हो, धर्म का भाव हो और हमारे दिलों में सबके लिए प्रेम हो, किसी के लिए बैर भाव ना हो और देश की सेवा करने का भाव हो. प्रार्थना का अर्थ यही है और हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है. इस चैप्टर के प्रार्थना के पीछे वाले पेज पर आपको शब्दार्थ दिए गए हैं. नेक्स्ट पेज पर यहाँ ऊपर फ्रंट में आपको CW हिंदी की कॉपी में शब्दार्थ राइट डाउन करना है और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, तो आपको वो नोट डाउन करना है हिंदी CW कॉपी में. और बुक की एक्सरसाइज फिल करके आपको व्हाट्सएप पे डाल दी जाएगी, तो आप उसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.